उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ने यूपी के प्रत्येक परिवार के लिए, प्रत्येक सदस्य के लिए एक नई योजना का शुभारंभ करने जा रही है, जो कि इलेक्शन का जब समय चल रहा था उस टाइम सीएम योगी ने वादा भी किया था। अब उस वादे को सरकार पूरा करने वाली है। 1 जून से ये नियम लागू हो जाएगा। चलिए वीडियो में हम आपको जानकारी बताएंगे। इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। पूरी अपडेट देखें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यूपी में मिलेगा हर परिवार को लाभ, योगी सरकार का बड़ा फैसला, एक और चुनावी वादा होगा पूरा। चलिए जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बैठक के दौरान प्रत्येक परिवार के जारी हो रहे परिवार कार्ड, परिवार आईडी की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश सरकार हर परिवार की न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार सेवा योजना से जोड़ने के संकल्प में प्रदेश में परिवार आईडी जारी कर रही है। एक सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को जारी की जा रही परिवार आईडी प्रक्रिया अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। बैठक के दौरान सीएम योगी ने इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ पर सभी परिवारों को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने परिवार कल्याण ई पासबुक तैयार किए जाने और ऐप के माध्यम से परिवार आईडी को संचालित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, परिवार आईडी के निर्माण में दस्तावेज के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी सुनिश्चित के साथ संपन्न की जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि योजनाओं की पात्रता की श्रेणी में आने वाले लोगों को हर हाल में योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस बैठक के संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी गई। इसमें कहा गया, संबंधित विभाग अपनी योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा शीघ्र ही नियोजन विभाग को उपलब्ध कराए। यह डाटाबेस लाभार्थी परक योजनाओं के बेहतर प्रबंधक, समयबद्ध लक्ष्यीकरण, पारदर्शी संचालन एवं योजना का 100% लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाने और जन सामान्य के लिए सरकारी सुविधाओं के सरलीकरण में सहायक होगा। कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया, सीएम योगी ने बैठक में निर्देश दिया, फैमिली आईडी पोर्टल में केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की संख्या को बढ़ाया जाए। आईआईटी, पॉलिटेक्निक एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले नए विद्यार्थियों को आधार संख्या को फैमिली आईडी से जोड़ा जाए। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार की समस्त योजनाओं को भी फैमिली आईडी से जोड़ा जाए। बता दें, विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में बीजेपी ने संकल्प पत्र में हर परिवार को नौकरी देने और फैमिली आईडी कार्ड बनाने का वादा किया। सीएम योगी ने अभी कल ही बैठक हुई थी जिसमें परिवार आईडी को लेकर के चर्चा की गई और इस विषय पर और परिवार आईडी बनाने के भी आदेश दे दिए गए हैं। अब परिवार आईडी भी बनना शुरू हो जाएगी। आज 1 जून 2023 है, ये जानकारी जस्ट आज ही आई हुई है। लेकिन ये बैठक जो सीएम योगी ने की थी वो कल की थी, तो कल होगी तभी तो आज न्यूज़ में आएगी। तो इस वजह से और बहुत ही अच्छी ये अपडेट थी आप सभी के लिए। और आप सभी इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं यूपी फैमिली आईडी के लिए, जिससे कि आपके परिवार के एक सदस्य को योजना से नौकरी से जोड़ा जाएगा और ये सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, जो भी योजनाओं का लाभ आपके परिवार को नहीं मिला है। तो एक परिवार एक आईडी इसका नाम है, या एक परिवार एक पहचान पत्र इसको भी इसके भी नाम से आप जान सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपडेट थी आप सभी के लिए। कमेंट करके बताइएगा आपको जानकारी कैसी लगी। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।